हाँ जी, कौन सा ग्रह है? ये आपका एक्सरसाइज 13.1 का फोर्थ क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया था इसमें, एक घन के ऊपर अर्ध गोल रखा गया है। क्या रखा गया है? अर्धगोल घन के ऊपर एक अर्ध गोल रखा गया। इस घन की भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपर एक अर्ध गोल अध्यारोपित किया गया है। अब आपसे पूछा गया, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले आप घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, और उसके बाद अर्ध गोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बट ऊपर वाला जो फेस है, ये वाला, इसको कौन ढक रहा है? अर्ध गोल। अर्ध गोल ढक रहा है ना। अब अर्ध गोल जब ढक रहा है, तो ये जितना सर्कल बन रहा नीचे, क्या बन रहा है? वृत्त बोलते हैं उसको, सर्कल जो बन रहा है। और इसका एरिया मुझे माइनस करना होगा। क्या करना होगा? माइनस। तो इसका मतलब हुआ, देखो, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, क्या होगा? देखो, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6L² यानी भुजा का स्क्वायर, प्लस साथ में अर्ध गोल। अर्ध गोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² माइनस करना होगा। मैंने क्या बताया था? वृत्त का क्षेत्र, क्योंकि ऊपर से ढक रहा है इसको, इसको क्या करेंगे? माइनस। माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr². इतना क्लियर हुआ? हाँ। अगर आप यहां ध्यान दें, तो यहां पर देखो, एल कितना है? 6 × एल कितना मेरे पास? सेवन। 7 × 7 प्लस, इसमें देख लो, अगर आप चाहे कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन क्या है इसमें? पाई आर है। पाई आर कॉमन है। उसके बाद वैल्यू क्या मेरे पास? पाई आर कॉमन है, अंदर क्या बचता है? एक आर बचता है, और क्या बचा? पाई आर स्क्वायर कॉमन है। उसका ऐसा करो, एक मिनट, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते, कॉमन लेने की जरूरत नहीं, कैंसिल हो गए, सेम टर्म है आपस में, है ना। यहां देखो, 2πr है, यहां 1πr है, तो कितना बचा आपके पास? 2 में से 1 माइनस करो, 1 बचा ना, सिर्फ बचा πr², 1πr² बचा आपके पास। 2 माइनस 1 इज 1। अब वैल्यू देखिए आगे क्या हुआ। देखो, 6 × 6, 6 से कितना हुआ? 36, सॉरी 49 प्लस पाई का वैल्यू कितना मेंशन किया था आपके लिए? 22 अपॉन 7 इंटू त्रिज्या कितनी इसकी? 7/2। हाँ, या मैं 7/2 लिख लूँ उसको, इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल कर दिया जाए, 11 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, इसका यहाँ 2 रहता है, और ये वाली वैल्यू वाला कैलकुलेट करो और ये वाला अलग करो। इसका मतलब क्या हो? 6 × 49 प्लस वॉट? 11 × 7 77 डिवाइड बाय कितना हुआ? 2। इसको डिवाइड करो और कैलकुलेट करो जल्दी से, कितना वैल्यू आ रहा है? इसका ये आंसर होगा। थ्री समथिंग आएगा, 3322.5 ये आ रहा ना, कितना आ रहा है? 3322.5 cm², ये दिया आपका आंसर। कैलकुलेट कर लिया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए। नोट कर ले, नोट कर लो पहले, कुछ आप